मेरा नाम भजन लाल है। मेरा गांव चकशेरा है, तहसील आसपुरा पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू J&K। मेरे पास गाय 24 गाय हैं और 15 भैंसें हैं, और जो गाय का बच्चा है इसको हम 15 दिन के बाद जैसे पैदा होती है तो उसको 15 दिन के बाद हम कीड़े वाली दवाई देते हैं। जो भैंस का बच्चा है उसको हम 10 दिन के बाद कीड़े वाली दवाई देते हैं, और इसको मेहनत से काम करना पड़ता है, और इसको हम फीड बंडा जो भी है गाय के लिए तो हम डालते हैं 8000 फीड, जो कि इसको बंडे के मुताबिक गाय के मुताबिक उसको नाप के दिया जाए कि ये कितना बंडा खा सकती है और कितना है पचा सकती है और कितनी इसको दूध निकालती है, इस हिसाब से इसको खुराक भी दी जाती है। इसको हम मिनिमम मिक्सचर भी देते हैं, और उसके बाद गाय को हिसाब से बंडा देना पड़ता है, और दूसरा ये गाय नीचे साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। साफ़ सफाई रखने के कारण गाय के को चिचड़ी नहीं पड़ता है और ना ही कोई मच्छर की दवाई। दिन में या दो बार, अभी जैसे अभी सर्दियां आ गई हैं तो कम से कम दो दिन के बाद इनको नहलाना है डिटॉल के साथ, और इनको नुकसान नहीं होगा। और आप भैंसों के लिए है तो भैंसों के लिए हम डालते हैं पंजाबी खाल डालते हैं, और इसको चने का छिलका होता है और बंडा डाला हो जाता है और पत्री, जो कि इसको अच्छा लगे और दूध की पैदावार भी अच्छी हो। और हम इधर से हम इधर गांव चकशेरा है, और हमारे को जो बंडा है जम्मू से लाना पड़ता है या आसपुरा जाना पड़ता है, और हमारे को बहुत ही कठिनाई से काम करना पड़ता है, और हमारी मेहनत तो बहुत होती है कि जो हमारा दूध है और इधर से निकाल के शहर से गांव से लेकर हमें जम्मू लेके जाना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत चाहिए। दूसरा नंबर, ये गांव को जो पशु हैं इनके लिए अच्छा ध्यान रखा जाए, जो कि इनको बीमारी ना लगे और इनको कोई भी गाय बीमार ना रहे, और इनको दिन में ठीक एक बार नीचे से दो बार साफ करना है, हम इनको पानी पिलाना है। अगर पशु बीमार हो गया तो हम इतनी पैदावार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें इतना प्रॉफिट होगा। तो पशु को का ख्याल रखना है, हर पशु को देखना है कि इसको क्या करना है क्या नहीं है, कोई नहीं है। और हम इधर से बॉर्डर के रहने वाले हैं, और हम जैसे हमारे सामने